पंच परम गुरु स्वरूप परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन। धर्म तीर्थ शासन नायक 2400 तीर्थंकर भगवंतों को बारंबार प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता भक्तिपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चरित्र चक्रवर्ती धर्म धुरेन्द्राचार्य शांति सागर मुनि राज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो अरिहंत शब्द पर व्याख्यान हुआ था। अरि षटखंडागम की पहली पुस्तक में जीवस्थान जो प्रथम खंड है षटखंडागम का, 6 खंड होते हैं उसमें, तो 5 खंड तो 16 पुस्तकों में निबद्ध है और छठा जो महाबंध नाम का खंड है वो 7 पुस्तकों में और निबद्ध है। तो 16 पुस्तकें यहाँ सोलापुर से निकल चुकी है, 16 16 और 7 भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। तो ऐसे 16 और 7 23 पुस्तकें हैं, षटखंड आगम की 23 पुस्तकें हैं। तो उसमें जो जीवस्थान नाम का प्रथम खंड है उस पर 6 पुस्तकें हैं। फिर क्षुद्रक बंध नाम का जो द्वितीय खंड है उस पर 1 पुस्तक, 7वीं पुस्तक। फिर बंध स्वामित्व विचय तीसरा खंड है, 8वीं पुस्तक। फिर 9वीं पुस्तक में वेदना खंड, फिर वो वेदना खंड चलता है 9वीं 10वीं है। इसके बाद वर्गणा खंड आता है, फिर ये वर्गणा खंड जो है 16वें पुस्तक में जाकर के पूरा होता है। 5 खंड हो गए और छठा खंड जो महाबंध है वो 7 पुस्तकों में संपन्न होता है। तो इस तरह ये संपूर्ण धवला या धवला और महाधवला दोनों को मिला लो तो पूरा षटखंड आगम बनता है। बहुत विशाल कार्य है, 72,000 श्लोक प्रमाण तो 16 पुस्तकें हैं और फिर महाबंध में भी हजारों श्लोक। और जय धवला 60,000 श्लोक प्रमाण है, 60,000, उनमें से 20,000 वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखे और 40,000 उनके शिष्य जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखे। नांदनी में उन्हीं जिनसेन आचार्य महाराज के सानिध्य में प्रतिष्ठित मूल नायक मठ मंदिर के जो मूल नायक आदिनाथ भगवान है वो उद्भव कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए हैं। आकार छोटा है लेकिन भव्य प्रतिमा है। गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी तो अपने आप में सबसे निराले हैं ही। तो वीरसेन आचार्य महाराज ने षटखंड आगम की पहली पुस्तक की टीका में अरि शब्द से सबसे प्रथम उन्होंने मोह को ग्रहण किया, क्योंकि जो किसी को पीड़ा पहुंचाए, क्लेशित करे, तो यह कार्य मित्र का नहीं हो सकता और न ही तटस्थ मनुष्य का या तटस्थ किसी
द्रव्य का हो सकता है। जो द्रव्य जीव को चारों गतियों में भ्रमण कराकर आकुलित करता हो वह प्रधान रूप से मोहनीय कर्म है। फिर समय पावड़ ग्रंथ में एक बात आती है कि वह मोहनीय कर्म उद्गल परमाणु रूप है, अर्थात वह कर्म जो बंधा है वो जड़ है। तो कुछ लोग जो अध्यात्म के अध्येता होते हैं, सिद्धांत से थोड़ा सा अनभिज्ञ होते हैं, वो समझते हैं कि अरे जड़ है, जड़ हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता, अपनी धारणा में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में ग्रंथकार स्वामी कुमार कार्तिकेय आचार्य लिखते हैं, काव्य अउवादिदीसदी उगल दव्यस एरिसी सति केवल नाण सहावो जीवस विनाशिदो जीण। उद्गल द्रव्य के पास कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है, अपूर्व शक्ति है, वो केवली भगवानों ने, भगवंतों ने भी देखा है कि उस पुद्गल में क्या शक्ति है। तो पुद्गल द्रव्य में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जिस शक्ति ने जीव के केवल ज्ञान स्वभाव को नष्ट करके रखा है। क्या पुद्गल कर्म के उदय बिना अपना केवल ज्ञान रुका है? अपने केवल ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता कर्म के उदय के अलावा। वो कर्म क्या है? पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य में शक्ति हुई कि नहीं? कितनी शक्ति हुई? बोले इतनी शक्ति कि केवल ज्ञान को रोक ले। तो इसलिए किसी भी द्रव्य, ठीक है पर द्रव्य क्यों ना हो, लेकिन उसकी क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बड़ा गूढ़ है, उतना सुगम नहीं है। अपने को लगता है कि निमित्त तो निमित्त मात्र है, मात्र यानी निमित्त ही है ऐसा लगता है, पर वास्तव में उस निमित्त में कितनी क्षमता है उस पर अगर अपन द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से विचार करो तो इसी वक्त आपका जो द्रव्य है वो मोक्ष के अयोग्य है। तो उस द्रव्य से आपका मोक्ष रुका हुआ है। फिर क्षेत्र की बात करो तो ये भरत क्षेत्र है और कर्म भूमि है आर्यखंड है, यानी इसी स्थान से तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। लेकिन ये क्षेत्र इस समय मोक्ष में साधक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय जो भी जीव जन्म लेते हैं इस भरत क्षेत्र में उनका संगननहीन होता है। फिर काल की बात करें, क्षेत्र पर थोड़ा और विस्तार हो सकता है लेकिन अभी अपन ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। काल की बात करें तो ये काल दुष्यमा काल है। तो धवला की छठी पुस्तक में लिखा है कि दुष्यमा काल में जिसका जन्म होता है वह जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, और जो क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं है वो मोक्ष नहीं जा सकता। ठीक है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब भाव की बात करूं तो इस काल में ऊपर की जो तीन सामग्री है, द्रव्य क्षेत्र और काल,
उसके अभाव में वो परम शुक्ल ध्यान रूप भाव हो नहीं सकता, तो मोक्ष रुका हुआ है। तो फिर अपन ये कैसे कह सकते हैं कि पर द्रव्य से कुछ भी नहीं होता? ऐसा नहीं कह सकते। वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आप कोई अश्लील चित्र देखोगे तो आपके अंतरंग में सद विचार नहीं आएंगे, और आप जिन प्रतिमा को देखोगे तो आपके अंदर दुर्विचार नहीं आएंगे। वो चित्र भी परद्रव्य है और प्रतिमा भी परद्रव्य है, लेकिन परद्रव्य का आत्मा के भावों के साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो वैसा ही होता है। उपवास के दिन अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु बन रही हो और उसकी खुशबू आप तक चली आए तो आपको क्या लगता है कि काश पारणा के दिन ये चीज बने? अपन रागी जीव हैं, इसलिए बहुत ऊंची लंबी चौड़ी बातें करना अपने को शोभा नहीं देता। जितनी भूमिका है उसका स्मरण रखे, और उस भूमिका के अनुरूप जो जिनेन्द्र ने चरणानुयोग में आदेश दिया है वैसा आचरण करिए। सीधा मार्ग है। और तर्क कुतर्क में जाकर अगर टेढ़ा रास्ता पकड़ा तो ये काल भी टेढ़ा है और भाव भी टेढ़े हो जाएंगे, तो फिर गति कैसे सीधी होगी? तो अगर अपना बिगाड़ करना हो तो दिमाग को टेढ़ा चलाओ, और अपना सुधार करना हो तो फिर जो सीधा मार्ग है उस पर चुपचाप चलो। अगर नहीं बनता तो स्वीकार करो कि भाई हमारे में इतनी कमी है। कमी को स्वीकार करने के बाद ही उससे निवृत्ति हो सकती है। कमी को कमी न स्वीकार करने वाला कमियों में ही जीता है, उसकी कमी कभी दूर नहीं हो सकती। तो धवला की पहले पुस्तक में आचार्य महाराज ने जो पंक्ति लिखी उसमें उन्होंने अरिहंत शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि अरि में मोहनीय कर्म है, लेकिन उसके बाद की पंक्ति में उन्होंने जो बात लिखी है वो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि उन्होंने अरि शब्द में अकेले मोहनीय कर्म को न लेकर के अन्य कर्मों को भी सम्मिलित किया। आज तेरस का दिन है तो इस ग्रंथ की उस पंक्ति को हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अगर चतुर्दशी होती, अमावस्या होती, पूर्णिमा होती, अष्टमी होती तो फिर ये सिद्धांत ग्रंथों का वाचन वर्जित है। बड़ी गंभीर और महत्वपूर्ण व्याख्या है अरिहंत शब्द की। तो जो लोग अरिहंत शब्द को अमान्य कर रहे हैं उनके लिए ये पंक्तियाँ पुनर्विचार का अवसर देती है, वो फिर से विचार कर सकते हैं। इदानीं देवदार नमोकार सुत्त सत्थो उच्चदे। अब नमो अरिहंताणम आदि जो आराध्यों को नमस्कार हैं, पंच नमस्कार है, नमोकार के सात प्रसिद्ध नाम हैं, अन्य भी अनेक नाम हो सकते हैं। एक तो नमोकार मंत्र है। नमोकार इसलिए क्योंकि इसमें 5 बार नमो पद आता है, और कोई पद पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं है, केवल एक नमो पद जो है वो 5 बार आता है।
और उसमें भी बड़ा रहस्य है, नमो 5 बार क्यों है? कभी आपने विचार किया? क्योंकि 5 परमेश्वरों को एक नमस्कार नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि 5ों परमेश्वरों की जो विनय का भाव है वो एक नहीं है। अरहंत की विनय अलग है, सिद्धों की विनय अलग है, आचार्यों की विनय अलग है, उपाध्यायों और साधुओं की विनय अलग है। तो भावों में भेद होने के कारण एक नमो से काम नहीं चलेगा। अरहंतों के लिए अलग नमो होगा, सिद्धों के लिए अलग नमो होगा, और शेष 3 परमेश्वरों के लिए भी अलग नमो होगा। शब्द और अक्षर की अपेक्षा से नमो समान है, लेकिन भाव की अपेक्षा से असमान है। क्योंकि अरहंतों के प्रति जो विनय का भाव अपने हृदय में जागृत होता है, वो चाहे सम्यक दृष्टि हो, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, या मुनिराज भी क्यों ना हो, उनके अंदर जो अरहंत भक्ति का जो भाव होता है, वो अरहंत भक्ति सिद्ध भक्ति से भिन्न श्रेणी की होती है। आचार्य भक्ति से भिन्न श्रेणी की होती है। क्यों? क्योंकि वो भिन्न है। जो उस भक्ति के आधार बन रहे हैं, यानी अरहंत है, तो अरहंत के आधार पर अपने हृदय में एक भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो अरहंत के प्रति जो भक्ति भाव होगा वो उनके योग्य ही होगा। और ये बात प्रवचन सार ग्रंथ की 255वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखा कि जब कोई दान करता आहार दान, तो हर दाता को एक जैसा पुण्य नहीं होता। बोले पात्र भेद से भावों में अंतर पड़ता है। उन्होंने आहार दान आदि का प्रकरण लिया, पर अपन उपलक्षण न्याय से सेवा, वैयावृत्य आदि जो भी साधु संबंधी अपन जो कर सकते हैं उसको उसमें सम्मिलित करते हैं, और उस पर से देखो द्रव्य की महिमा कितनी है उसको समझते हैं। पहले अपन ये पंक्ति देख लेते हैं, अरिहंत शब्द कैसे बना उसको लेकर के, फिर वो साधु वाली चर्चा फिर करते हैं। नमो अरिहंताणम, अरिहननाद अरिहंता। देखो एकदम साफ शब्द है, अरि का हनन करने से अरिहंता ये रूप बना है। अरिहंता प्रथमा का एक वचन संस्कृत भाषा है। अब अरि कौन है? तो उत्तर है नरक, नरक तिर्यक कुमानुष्य प्रेतावास गताशेष दुख प्राप्ति निमित्तत्वादरिर मोह। नरक के दुख की प्राप्ति, तिर्यंच गति के दुख की प्राप्ति, कुमानुष्य अर्थात मेच अधिक हैं उनमें जो दुख होता है उसकी प्राप्ति, प्रेतावास भूत पिशाच वेंतर आदि देवों में जो उत्पत्ति होती है और वहां जो क्लेश होता है, तो इन सब स्थानों में प्राप्त होने वाले समस्त दुखों की प्राप्ति में निमित्त
होने के कारण मोह अरि है, शत्रु है, क्योंकि ये सारे दुख मोह से प्राप्त होते हैं, इसलिए मोह शत्रु है। अब मोह के दो भेद हैं, द्रव्य मोह और भाव मोह। द्रव्य मोह क्या है? जो मोहनीय कर्म के परमाणु आत्मा में बंधे हुए पड़े हैं वो द्रव्य मोह है, वो पुद्गल द्रव्य है ना, तो उसको द्रव्य मोह कहा। और जब उनका उदय होता है तो उनका उदय होने पर आत्मा में जो मोह भाव होता है वो भाव मोह है, और द्रव्य मोह के बिना भाव मोह नहीं होता, ये निश्चित है। इसलिए शत्रु कौन हुआ? दोनों हुए, भाव मोह भी शत्रु हुआ और द्रव्य मोह भी शत्रु हुआ। तथा उसी प्रकार च शेष कर्म व्यापारो वैफल्यमुपेयादिति चेत न। अब कोई कहता है कि तथा च, अगर वैसा मानोगे कि मोहनीय कर्म ही शत्रु है, तो शंकाकार पूछता है आचार्य से कि फिर बाकी कर्मों की जो परिणति है वो निष्फलता को प्राप्त हो जाएगी, फिर कर्म शत्रु नहीं कह सकते आप, आपको हर बार मोह शत्रु बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मोह शत्रु है, तो फिर बाकी कर्मों को शत्रु कैसे कहोगे? तो आचार्य कहते हैं कि ना हे शिष्य, ऐसा मत बोलो, मोह शेष कर्मणा मोह तंत्रत्वात्, बाकी कर्म मोह के अधीन है, अर्थात मोह राजा है, बाकी कर्म सेना है। इसलिए अकेले राजा को शत्रु मत समझना, राजा तो शत्रु है ही, लेकिन जो सेना राजा के आदेश के अनुसार चल रही है उसको मित्र मत समझ लेना, वो भी शत्रु की श्रेणी में आएगी। नहीं मोह मंत्रेण शेष कर्माणि स्वकार्य निष्पत्तौ व्यापृतान्युपलभ्यन्ते येन तेषां स्वातंत्र्यं जायेत। शेष कर्म मोहनीय कर्म के अभाव में स्वेच्छा पूर्वक आत्मा से शत्रुता नहीं कर सकते, इसलिए वो बाकी कर्म स्वाधीन नहीं है, मोह उनका राजा है। मोहे विनश्येपि कियंतम पिकालम शेष कर्मणाम सत्वोपलम्भात् न तेषां तत्तंत्रत्वमिति चेत्। फिर शिष्य शंका करता है, वो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है ना, तो वो आचार्य से पूछता है कि आचार्य श्री, आप बोल रहे हैं कि मोह राजा है और बाकी कर्म उसकी सेना है, तो हमारा प्रश्न है कि मोह नष्ट होने के बाद भी तो बाकी कर्म आत्मा को प्रभावित करते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो मोह के अधीन है, बाकी कर्म पराधीन है, लेकिन आपने ही हमें पढ़ाया था कि मोह का क्षय पहले होता है, उसके बाद बाकी कर्मों का नाश होता है, तो अर्थ तो यही हुआ ना कि मोह के बाद भी बाकी कर्म बचते हैं और वो भी अपना काम करते हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि ना ऐसा मत बोलो, थोड़ा बात को और गहराई से समझो। विनष्टेरौ
जन्म मरण प्रबंध लक्षण संसारोत्पादन सामर्थ्य मंत्रेण तत् सत्वस्यासत्व समानत्वात् मोह का नाश हो जाने पर, अर्थात शत्रु समाप्त हो जाने पर, जो राजा है वो समाप्त हो गया, तो उसके पश्चात जन्म मरण का प्रबंध करना है लक्षण जिसका, ऐसा जो संसार है उस संसार के उत्पादन की क्षमता बाकी कर्मों में नहीं रह जाती। मोह नष्ट हो जाए तो बाकी कर्म एक भव में भी नहीं ले जा सकते बिना मोह के। केवल ज्ञानाद्यशेष आत्म गुणाविर भाव प्रतिबंधन प्रत्यय समर्थत्वाच्च। तो वो होते हुए भी नहीं के बराबर है, मोह के अभाव में शेष कर्म हैं फिर भी नहीं है के समान है। तथा केवल ज्ञान आदि संपूर्ण आत्म गुणों के आविर्भाव को रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्रु है। तस्यारेर हननाद अरिहंता। इतना विस्तार करने के बाद बोलते हैं कि उस शत्रु का हनन करने के कारण जिनेन्द्र भगवान अरिहंत है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि मोह ही शत्रु है, लेकिन चूंकि बाकी कर्म मोह की सेना है इसलिए वो भी शत्रु की ही श्रेणी में गिने जाते हैं। दुश्मन का दोस्त कौन होता है? दुश्मन होता है। इसलिए अरिहंत का अर्थ कर्म शत्रु का हनन करने वाले। अरहंत शब्द के अर्थ पर अपने को चर्चा करनी है अभी। अरिहंत शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया कि जिन्होंने प्रधान मोह रूपी शत्रु का नाश किया और शेष जो उसकी जो सेना थी, उस और भी जो घाती कर्म थे, आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते थे मोह का बल पाकर, उन सब का भी नाश किया तो अरिहंत हो गया। ठीक है, फिर ये जो एक चर्चा बीच में निकली कि आधार से आलंबन से भावों पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात आलंबन का प्रभाव भावों पर पड़े बिना नहीं रहता। इसके कुछ उदाहरण हैं जैन सिद्धांत में, वो हम आपके समक्ष रखते हैं। एक उदाहरण ये है, धवला की छठी पुस्तक में जहां क्षायिक सम्यक दर्शन का वर्णन है, आठवीं चूलिका में, वहां पर ये बताया है कि क्षायिक सम्यक दर्शन केवली और श्रुत केवली, श्रुत केवली वो होते हैं जिनको 12 अंगों का ज्ञान है, उनको 12 अंग पूरे कंठस्थ, वो श्रुत केवली होते हैं। तो इतने महान ज्ञानी श्रुत केवली और केवली भगवान, इनके सानिध्य में ही क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, अन्यत्र नहीं। फिर उसमें एक अपवाद बताया। क्या अपवाद बताया? बोले कि जिनको इनका सानिध्य नहीं प्राप्त हो सकता, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको केवली और श्रुत केवलियों का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता,
लेकिन शास्त्र में बताया है कि ऐसे भी कुछ जीव हैं जिनको इनके सानिध्य बिना भी क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ है और होगा। उदाहरण तीर्थंकर, कोई ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो क्षयिक सम्यक दृष्टि कैसे बनेंगे और क्षयिक सम्यक दृष्टि बने बिना केवल ज्ञानी कैसे बनेंगे, ये प्रश्न तो आता है। तो इसका उत्तर दिया कि वो जब दीक्षा लेंगे तो दीक्षा लेने के बाद वो स्वयं श्रुत केवली हो जाएंगे, 12 अंगों के ज्ञाता हो जाएंगे, और वो स्वयं श्रुत केवली हो जाएंगे। अन्य श्रुत केवलियों की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर केवल वो तीर्थंकर जो हैं वो जब श्रुत केवली होते हैं तो उनको अपने ही सानिध्य में क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाते हैं। इसमें नाम भी लिखा है, उदाहरण में उन्होंने लिखा है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन अपने उस पर्याय में जब वो श्रुत केवली होंगे, निर्ग्रंथ होकर के जब श्रुत केवली होंगे, तब वो अपने क्षयोपशमिक सम्यक्त को क्षयिक सम्यक्त में रूपांतरित कर लेंगे, अर्थात स्वयं अपने ही सानिध्य में क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाएंगे और फिर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसा कथन है। आपको पता है उनका नाम क्या होगा आगामी 24 में? 16वें तीर्थंकर निर्मल नाथ भगवान उनका नाम होगा आगामी 24 में। निर्मल नाथ भगवान श्री कृष्ण जी का जीव है। तो ये उदाहरण इसमें धवला की छठी पुस्तक में दिया है। एक बात तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने भावों में वो क्षमता ही नहीं है जो श्रुत केवली अथवा केवली के समागम बिना क्षयिक सम्यक्त को प्राप्त हो सके। तो इससे समझ में आया कि उनका क्या महत्व है, केवली और श्रुत केवली का क्या महत्व है समझ में आया। अनादिकाल से अद्य यावत अर्थात आज पर्यंत केवली और श्रुत केवली के बिना किसी को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो स्पष्ट है कि किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ और न मोक्ष हुआ। ये बात आई। तो वो जो आलंबन है सामान्य नहीं है, निमित्त को हल्का फुल्का मत समझना। निमित्त भी स्वचतुष्टय से उपादान है, शास्त्र की भाषा में बोले, यानी निमित्त को अपन अपनी अपेक्षा से निमित्त कह रहे हैं। यदि उसको स्वतंत्र द्रव्य के रूप में आप देखो तो वो भी एक उपादान है, और प्रत्येक उपादान अनंत शक्ति संपन्न होता है, इसलिए किसी उपादान की अवहेलना करना या उसको तुच्छ समझना उसको न पहचानने के समान है। गहरी बात है यह। सहजानंद वर्णी जी ने ये बात निकाली थी कि निमित्त भी तो अपने आप में उपादान है, स्वतंत्र देखो उसको तो उपादान है। अपन अपने अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है उसको सापेक्ष करके जब देखते हैं तब वो निमित्त है। तो अपने लिए वो परचतुष्टय के रूप में निमित्त है, लेकिन वो खुद के लिए उपादान ही है। तो अब ये देखिए दूसरा उदाहरण कि एक भक्त अपने गुरु को, जो कि 11 अंग की पाठी है, 6-6 महीने उपवास कर लेते हैं और कठिन उपसर्गों को सहन कर लेते हैं, और उपसर्ग करने वाले पर
उनको रंजमात भी क्रोध नहीं आता, पर संयोग ऐसा है कि केवली के ज्ञान में वो गुरु अभव्य जीव है, क्योंकि अभव्य जीव भी 11 अंग के पाठी हो सकते हैं, निर्ग्रंथ पद के धारी हो सकते हैं, अर्थात दिगंबर मुद्राधारी हो सकते हैं, और इतने कठोर तपस्वी हो सकते हैं कि 6-6 महीने उपवास करें और उपसर्ग आने पर भी वो शुक्ल लेशिया से नीचे ना आए, पद्मलेशिया तक में ना जाए, इतना पुरुषार्थ अभव्य जीव कर सकता है। लेकिन अभव्य जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और वो जो शिष्य है उनका या जो भक्त है वो उनको भगवान मानता है, तो इतना बड़ा मानता है उनको, यही मानता है वो कि बस बिल्कुल इनसे बढ़कर कोई साधु नहीं हो सकता। कौन मान रहा है? उनका छद्मस्थ शिष्य या भक्त, जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है, जिसके पास अवधि मन परे ज्ञान नहीं है, उसकी दृष्टि में वो महानतम है। और वो भी जो भी भक्ति कर रहा है, जुट्ठम कदम वदत्तम, प्रवचन सार में गाता है कि उनकी सेवा करता, प्रीति पूर्वक सेवा करता है और उनके लिए जो भी आवश्यक है वो सब कुछ देता है, उनको आहार कराता है, उनकी भैया वृत्ति करता है, वदनियम अध्ययन झाण दान रदो, उनसे व्रत लेता है, उनसे नियम लेता है, वो जैसा बताते हैं वैसा ध्यान करता है, उनसे अध्ययन करता है, उनसे दान, उनके प्रति दान देता है। लेकिन वो शिष्य यदि मिथ्या दृष्टि हुआ तो इतना सब करने का फल क्या मिलेगा उसको? त्रिलोक सार की 924वीं गाथा में लिखा है कि इतना सब करने का फल उसको कुभोग भूमि के रूप में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आलंबन वैसा है, भाव उसके शुभ है, पर जिनको लेकर के उनके शुभ भाव हो रहे हैं वो आलंबन वैसा है, इसलिए वो शुभ भाव एक श्रेणी से ऊपर जा नहीं सकते। वो उस श्रेणी तक जा सकते हैं जहां से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है, अथवा और अधिक तो पुण्यापसद प्राप्ति ही। ये भी लिखा है अमृतचंद सूरि ने कि उसको सुदेव मनुजत्वंच, वो कोई वैमानिक देवादिक भी हो सकता है और मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और एक दूसरा जीव है वो भी मिथ्या दृष्टि है, पर संयोग ऐसा बन रहा है कि चंपापुरी में सेठ वृषभ दास के यहां पर वो जानवरों को संभालने वाला एक नौकर था, सुभग उसका नाम था, और वो जब गाय भैंस चराने के लिए जाता है गंगा नदी के उस पार, तो क्या देखता है, शीतकाल है, नदी तट पर कड़ाके की ठंड पड़ती है शीतकाल में, गंगा नदी के किनारे एक साधु वृक्ष तल में किसी शिला पर ऐसे बैठे हुए ध्यान में, पता नहीं उनने कितने दिनों से आहार नहीं लिया है, शरीर क्षीण शरीर ही है, बिल्कुल दुबले पतले हैं,
तो वो बालक भोलेपन में विचार करता है कि मैं तो कपड़े पहना हुआ हूँ और मैं गरीब हूँ, नौकर हूँ, पर इनकी अवस्था तो मुझसे भी गई बीती है। वो अपने भोलेपन में, उसको उतना विवेक नहीं है कि ये कौन है, और वो कौन है ये केवल भगवान जानते हैं वो कौन है। तो जब उनको देखता है तो उनको उसको लगता है बालक को कि रात में तो इतनी ठंड और बर्फ यहाँ पर पड़ती है कि ये उस कड़ाके की ठंड में अकड़ जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और प्राणांत हो जाएगा इनका। और ये पता नहीं क्यों ऐसे बैठे हुए हैं आँख बंद करके, क्या इनको मरने से भय नहीं लगता? तो उस बालक को अंतरंग में करुणा उत्पन्न होती है, उसको लगता है कि मैं इनकी जान बचाऊंगा। और वो जब भी जानवरों को चराने जाता था तो फिर कुछ लकड़ियां भी जंगल से सूखी हुई लेकर के आता था, वहाँ पर अग्नि के लिए वो काम आ जाती थी। तो वो जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आया था, उसने गट्ठर वहीं रखा और जानवरों को वापस सेठ जी के यहाँ पर पहुँचा दिया और चुपचाप किसी को बताए बिना वापस यहाँ आ गया साधु के पास। और वहाँ आ करके उसने देखा कि बहुत ठंड है, उसका शरीर भी कांपने लगा। तो फिर उसने लकड़ी जलाई और लकड़ी जलाने के बाद उसने महाराज को ऐसे छुआ, हथेलियों को छुआ, पैर के तलवों को छुआ, एकदम ठंडे हो गए थे महाराज। तो उसने फिर वो अग्नि पर अपने हाथ तापे और उनका शरीर गर्म किया, हाथ तापे फिर शरीर गर्म किया। ऐसा करते करते घंटे व्यतीत हो गए। मुनिराज शांत बैठे हुए, बाल मात्र भी हिल नहीं रहे, एकदम मूर्ति के समान स्थित, और उनके सिर पर, कंधों पर जो बर्फ आती थी, बारीक कण आते थे, सुइयों जैसे चुभते हैं जब वो कण ऐसे थोड़ी देर पड़े रहते हैं, तो बर्फ के कण ऐसे, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुई अंदर चली गई हो, इंजेक्शन। तो वो बार बार उनको उसको अलग करता था और उनको सब जगह से तापता था। ऐसा करते करते वो बेचारा थक गया, लेकिन फिर जैसे ही उसको थोड़ी सी झपकी आती थी तो ठंड में वो फिर नींद टूटती थी, फिर उनको देखता था तो आ करके उनकी उस शीत वेदना को वो दूर करता रहता था। पूरी रात निकल गई और जब प्रभात हुई, सूर्य की किरणें आने लगी, तब मुनिराज ने आंखें खोली। उस बालक के भोलेपन को देखकर मुनिराज ने, वो रिद्धिधारी साधु थे, उन्होंने रिद्धि का प्रयोग किया। उनके पास अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान आदि रिद्धियां थी। तो उन्होंने सोचा कि इस जीव ने रात भर यहां पर मेरी सेवा की है, इसके कल्याण में क्या साधन बन सकता है। तो उनने अपने ज्ञान से जाना कि इस बालक को यदि 7 अक्षर दे दिए जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। अभी ये देवशास्त्र गुरु से अपरिचित है,
लेकिन उन 7 अक्षरों से इसका कल्याण हो जाएगा। वो खड़े होते हैं और उससे बोलते हैं, सुभग बालक वत्स। वो बालक अचंभित होता है कि इनको मेरा नाम कैसे पता है। उनकी ओर देखता है, बोले वत्स, अब से जब भी तो कोई काम तुम प्रारंभ करो तब नमो अरहंताणम, इन 7 अक्षरों वाले महान मंत्र का स्मरण करके करना। बालक सोचता है कि मैं जिनको अपने से भी अधिक दरिद्र समझ रहा था, वो तो कोई बड़े जानकार मालूम पड़ते हैं। इन्होंने मुझे इतना महान मंत्र दिया और जैसे ही इन्होंने नमो और हंताणम बोला, इनके पैर भूमि से ऊपर उठ गए, ये वायु में तैरने लगे हैं। तो उस बालक ने ऐसे हाथ जोड़े, भारतीय संस्कृति है, बिना शिक्षा के हाथ जोड़े नहीं जाते, खुद जुड़ जाते हैं। जैसे ही हाथ जोड़े तब गुरु महाराज ने ऐसे हाथ करके कहा, कल्याणमस्तु। इतना बोलकर वो आकाश मार्ग से चले गए। जब वो जा रहे थे तो जहां तक उस बच्चे को वो दिखे वहां तक उसने उनको बारंबार प्रणाम किया। अब सारे काम वो नमोर हंताण बोलकर ही करता था। एक दिन वो बच्चों को संभाल रहा था तो नमोर हंताण बोला, और वहीं से सेठ जी निकले, वृषभ दास जी, बोले कि बेटा तेरे को सेठानी ने सिखाया नमोकार? बोले नहीं। तू क्या मंदिर से सुन करके सीखा? नहीं। तो फिर तूने कहाँ से सीखा? वो पूरी घटना सुनाता है। तो सेठ उस बच्चे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, जिन गुरुओं का वर्णन, जिन ऋषियों का गुणगान हम शास्त्रों में पढ़ते आए, कभी उनको देखा नहीं, देखने के लिए आंखें तरस गई, उनको तूने नहीं देखा, मात्र देखा तक नहीं बल्कि तूने उनकी सेवा की और उनने तुझे आशीर्वाद दिया और उनने तुझे ये मंत्र दिया, आज से तू हमारा नौकर नहीं है। अब सेठानी को कोई बच्चे नहीं थे, उस बालक के प्रति स्नेह था सेठानी का। फिर प्रेम से वहीं रहता, सेवा तो पूरी करता। एक बार वो जानवरों को चराने जाता, फिर कोई दुर्घटना हो जाती है, पानी में भैंस चले जाती है, दूसरे ग्वाले बोलते हैं कि वो भैंस पानी में गई, जल्दी निकाल, क्योंकि भैंस पानी में जाती है तो जल्दी निकलती नहीं है, तो उसको जल्दी बाहर कर। तो वो पानी में नमो अरहंताण बोल करके छलांग मारता है। उसको पता नहीं था कि रात में जो आंधी तूफान हुआ था उसमें एक टहनी पानी के नीचे पड़ी हुई है, तो वो नुकीली टहनी उसके पेट में चली जाती है और उसका प्राणांत हो जाता है। वो सेठानी के गर्भ में आता है और सेठानी को सुंदर स्वप्न दिखाई देते हैं, और जब उसका जन्म होता है तो इतना सुंदर होता है वो कि सब लोग उसके दर्शन के लिए वहाँ आते हैं। तो नामकरण के दिन, 12वें दिन,
सुदर्शन उसका नाम रखा जाता है, और वही प्रसिद्ध सेठ सुदर्शन। तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी सुदर्शन, सात अक्षरों से, और भावलिंगी गुरु को गुरु न जानते हुए सेवा करने के बावजूद ऐसे महान फल को वो जीव प्राप्त हुआ। प्रवचन सार में यही लिखा है कि अगर आलंबन सही होगा तो हे प्राणी तेरा कल्याण हो जाएगा, और अगर आलंबन सही नहीं हुआ और तू कितना भी बड़ा मान ले किसी को तो कुछ नहीं होने वाला। जैनम जय तुशासन। हम जब कथा सुनाते हैं तो थोड़ा भाव विभोर हो जाते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे केवल धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।